सो हे गाइस, दिस इज डम्पस्टर एंड आज की वीडियो काफी ऑसम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको गॉड ऑफ वॉर के कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि क्रेटोस की जर्नी के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्रेस दैट लाइक बटन टू अप्रिशिएट माय वर्क एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर गेमिंग रिलेटेड वीडियोस। और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ शॉर्ट इंट्रो। ओ बॉय, सो आपको गॉड ऑफ वॉर 2 का ये मोमेंट तो याद ही होगा जिसमें क्रेटोस जब एक सिटी पे हमला कर रहा होता है एंड एक बर्ड उसकी पावर उठा एक स्टैचू में डाल देती है जिसका नाम कोलोसस ऑफ रोड्स होता है। एंड इस फाइट का सबसे बेस्ट सीन जब ज्यूस अपनी ब्लेड ऑफ ओलंपस क्रेटोस को पहली बार देता है वो तो नेक्स्ट लेवल पे है। प्लस ब्लेड्स ऑफ ओलंपस का यूज करने के लिए क्रेटोस को अपनी सारी पावर उसमें डालनी पड़ती है एंड एक लंबी फाइट के बाद क्रेटोस उस स्टैचू को हराता है जो कि बहुत ही तगड़ी फीलिंग देता है कि क्रेटोस कैसा भी हो वो अपने से भी बड़े साइज के एनिमी से भी आराम से लड़ता है। स्टार्टिंग अ फैमिली अगेन, गॉड ऑफ वॉर 2018 के स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि क्रेटोस ने फाइनली मूव ऑन कर लिया है और जितने भी उसने बुरे काम करे हैं उसके बाद भी वो अपनी एक और फैमिली की शुरुआत करता है जहाँ पे उसने जितनी भी अच्छी चीजें सीखी है उन सब चीजों को वो अल्ट्रेस को भी सिखाता है। भले ही इस गेम में वो एक परफेक्ट फादर नहीं है लेकिन फिर भी वो परफेक्ट बनने का ट्राई करता है। वो अल्ट्रेस को वो हर चीज सिखाता है जो कि एक वॉरियर बनने के लिए सीखनी पड़ती है एंड इसलिए जब क्रेटोस अल्ट्रेस को कुछ सिखाता है तब वो सीन सबसे बेस्ट चीजों में से एक होता है। लेटिंग कैलायपी गो, वेल मेरे हिसाब से पूरी गॉड ऑफ वॉर का सबसे इमोशनल सीन तब था जब क्रेटोस को कैलायपी फिर से मिलती है लेकिन उसे फिर से उससे दूर जाना पड़ता है। गॉड ऑफ वॉर चेंज ऑफ ओलंपस में क्रेटोस को मौका मिलता है कि वो अपनी सारी पावर्स को 4 सेकंड ट्री में डाल कर अपनी बेटी कैलायपी के साथ फिर से टाइम स्पेंड कर सकता है लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ओलंपस तबाह हो जाएगा एंड कैलायपी भी, जिसके बाद क्रेटोस को ना चाहके भी कैलायपी को धक्का मार वहां से जाना पड़ता है एंड वहीं पे कैलायपी भी नहीं चाहती थी कि क्रेटोस उससे दूर हो जाए इसलिए वो क्रेटोस के पांव को पकड़ उसे वहीं रुकने को कह रही थी लेकिन एंड में क्रेटोस ने उससे दूरी बना ओलंपस और उसे दोनों को बचा लिया और कैलायपी फिर से क्रेटोस से अलग हो गई। फाइटिंग सीन विद क्रोनोस, गॉड ऑफ वॉर 3 को खेलने वाले लोगों को ये सीन तो याद ही होगा जब क्रेटोस क्रोनोस से मिलता है एंड क्रोनोस को लगता है कि क्रेटोस गाया का किलर है तो उसका बदला लेने के लिए क्रोनोस क्रेटोस से लड़ता है एंड अगेन साइज डजंट मैटर। क्रेटोस इस चीज को प्रूव करता है और उसकी बॉडी की एक तरफ से दूसरी तरफ जाके उससे लड़ता है लेकिन क्रोनोस एक टाइम पे उसे निगल जाता है जिसके बाद क्रेटोस ब्लेड ऑफ ओलंपस का यूज कर क्रोनोस के पेट को फाड़ बाहर आता है और लिटरली क्रोनोस का पूरा इंटेस्टाइन दिख रहा होता है एंड उसे मार क्रेटोस इस फाइट का एंड करता है। किलिंग एरीज, वेल गॉड ऑफ वॉर 1 के फाइनल बैटल तो सबको याद ही होगी जब क्रेटोस एरीस को हंट करता है एंड एरीस ही वही गॉड है जिसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को जन्म दिया, मतलब वैसे नहीं पावर देके। एंड एरीस की वजह से ही इस गेम में टर्निंग पॉइंट आया था। ये फाइट काफी सारी जगहों पे होती है जिसमें बहुत से कटसीन भी थे एज एरीस क्रेटोस को मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा था लेकिन क्रेटोस अथीना के टेम्पल में रखी स्वॉर्ड का यूज कर एरीस को मार देता है एंड अपनी फैमिली का रिवेंज लेता है। लर्निंग टू ट्रस्ट गॉड एंड वर्क विद फ्रेया, क्रेटोस की लाइफ में काफी सारे गॉड्स आए जिनमें से कुछ ही गॉड्स ने उसकी मदद की बट काफी सारे गॉड्स ने उसे बिट्रे किया एंड इस वजह से क्रेटोस किसी पे भी डिपेंड नहीं रहता है और सारे काम खुद करने का ट्राई करता है। लेकिन गॉड ऑफ वॉर 2018 में जब से क्रेटोस फ्रेया से मिला है उसने अपने लिए नहीं लेकिन आर्ट्रेस के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। गॉड ऑफ वॉर 2018 से क्रेटोस ने काफी लोगों से हेल्प मांगी है एंड काफी लोगों पे डिपेंडेंट भी रहा है जो कि उसके लिए काफी अच्छी बात है लेकिन बॉल्डर को मारने के बाद फ्रेया ने क्रेटोस को प्रॉमिस किया कि वो किसी को भी ना मारने वाले वादे को तोड़ेगी और क्रेटोस को मारेगी एंड इसी पॉइंट से क्रेटोस और फ्रेया की फ्रेंडशिप टूट गई। खैर अब वो हमें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक को देखकर ही पता लगाना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या फ्रेया क्रेटोस को मारेगी या फिर वो सब कुछ भूलकर फिर से उसकी मदद करेगी। किलिंग बॉल्डर, गॉड ऑफ वॉर 2018 के स्ट्रेंजर से मेन एंटेगनिस्ट बॉल्डर वाज वन ऑफ द बेस्ट एंटेगनिस्ट। लिटरली उसकी बॉस फाइट नेक्स्ट लेवल पे थी क्योंकि इस फाइट में एक्शन तो था ही बट काफी सारा इमोशन भी था जहाँ पे फ्रेया अपनी नॉन किलिंग पावर का यूज कर प्लांट्स और बाकी चीजों का यूज कर रही थी जिससे वो क्रेटोस आर्ट्रेस और बॉल्डर की फाइट को रोक सके। ये फाइट लिटरली इतनी खतरनाक थी कि ये लोग एक ड्रैगन के ऊपर लड़ रहे थे फिर आसमान में लड़ रहे थे एंड देन जमीन में जहाँ पे इनके लड़ने से जमीन में क्रैक भी आ रहे थे। क्रेटोस के बॉर्डर को मानना क्रेटोस की लाइफ का सबसे बेस्ट अचीवमेंट था क्योंकि इसी वजह से तुम्हें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक भी देखने को मिलेगा। किलिंग ऑफ ज्यूस, गॉड ऑफ वॉर 3 के एंड के बारे में तो सबको पता ही होगा कि कैसे क्रेटोस फाइनली अपने ही सो कॉल्ड फादर ज्यूस से लड़ता है और उसे मार देता है। ये फाइट भले ही उतनी डिफिकल्ट नहीं थी बट स्टिल ये फाइट सबसे लंबी फाइट में से एक थी एंड इस फाइट का सबसे गहरा पॉइंट था क्योंकि इसी फाइट के लिए क्रेटोस की पूरी जर्नी बनी थी एंड वहीं पे अगर तुम इस
फाइट को ढंग से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ज्यूस और क्रेटोस अलग अलग जगह पे एक दूसरे से लड़ रहे थे। एंड साथ ही साथ इस फाइट में ज्यूस की स्पिरिट फॉर्म भी देखने को मिलती है। एंड इस सफर में क्रेटोस ने भले कितने भी वेपन इकट्ठा किए हो, आखिरी में क्रेटोस ज्यूस को बिना किसी वेपन के ही मारता है एंड अपने आप को ब्लेड्स ऑफ ओलंपस मार खत्म करता है। खैर आप मुझे कॉमेंट से बताओ कि आपको कौन सा गॉड ऑफ वॉर का ऐसा सीन या मोमेंट ऐसा लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ तो कमेंट करना मत भूलना। सो गाइस दिस वॉज ओनली फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्रेस दैट लाइक बटन टू अप्रिशिएट माय वर्क एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्यूचर वीडियो के लिए प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिन्हें गेम्स एंड गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट पसंद हो। बाकी वीडियोस के लिए चैनल लिंक इज द डिस्क्रिप्शन एंड इसी के साथ मैडम से मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कीप गेमिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, सी यू।